बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमतुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे तैनात की और बुलाया आप लोगों को, तो आप लोगों का मैं बहुत ही आभारी हूँ। प्रेस के माध्यम से गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो कहीं से कहीं तक पहुँचती है। एक बार मैं आप सभी प्रेस रिपोर्टरों का आभारी हूँ और आप लोगों का मैं खुश आमदीद करता हूं कि आप इन जैसे प्रोग्रामों में आते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों का पहले आभारी हूं। आज इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे बुलाई है। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेजिडेंट भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, आपने देखा होगा पिछले साल हमारे होनहार खिलाड़ियों को, होनहार लोगों को यहाँ पे शहीद किया गया था। वो आज से एक साल पहले मैंने बोला था कि ये गीदड़ बगदी वाला काम जो चल रहा था इसको आज के डेट में नष्ट नाबूद किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है और इसी सिस्टम के माध्यम से हम लोग हमेशा काम करेंगे। आज जो कि एक साल डेथ एनिवर्सरी हमारे शहीद वसीम बारी भाई साहब, उनके वालिद साहब और उनके भाई साहब छोटे वाले भाई साहब को शहीद किया गया था, मैं आप सभी लोगों से ये आमंत्रित करता हूं कि 8 जुलाई को आप सारे लोग इस दिवस को हम शहीद दिवस वसीम बारी के नाम से मनाएंगे। और वसीम बारी साहब इस तरीके से काम किए थे बांडीपुरा में, बांडीपुरा का नाम कहीं से कहीं तक पहुंचाया। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी बांडीपुरा का नाम शुभ अल्फाजों में लिया और यहाँ के एरिया वेवन वो वहां तक हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी गुरेज, सुमल सोनावारी एंड बांडीपुरा, इनमें हमने सैनिटेशन ड्राइव्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, फूड एनर्जी किट्स, राशन किट्स और इस तरीके से जो जो भी सिस्टम हम लोगों को सहायता में आया हमने वो गरीब लोगों तक पहुंचाया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने की क्योंकि 8 जुलाई को अभी कुछ समय है। मैं आप सभी लोगों से आमंत्रित करता हूं, आप लोगों को इनवाइट करता हूं, इस वसीम बारी साहब के शहीद दिवस पे आप लोग आइए और इस शहीद का हम लोग पूरा मान सम्मान के साथ इसका शहीद दिवस मनाया जाएगा। आज हम लोग एक ड्राइव करने जा रहे हैं। एक ड्राइव में हम लोग सैनिटाइजर्स, मास्क, फूड एनर्जी किट्स, एनर्जी बूस्टर्स, इस तरीके से हम लोग आज बहुत सारे गाँवों में जाके वसीम भाई साहब के नाम पे, शहीद वसीम बारी साहब के नाम पे हम लोग ये गरीब गुरबातों तक पहुंचाएंगे। खुदा उसको जन्नत नसीब करे, उनके वालिद साहब को जन्नत तो फिरदौस मिले, उनके भाई साहब को जन्नत फिरदौस अता करे। बस यही प्रतिज्ञा है हमारी कि भारतीय जनता पार्टी के होनहार खिलाड़ी जो शहीद आज से पहले एक साल किए गए, उनकी याद में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए सदा बहार रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जहां जहां तक भी हम लोग जा सकते हैं, शहीद वसीम बारी हमेशा रहेंगे, वो थे है और रहेंगे भी। यही हमारी कोशिश है कि गरीबों के लिए हम लोग गरीबों के हित के लिए काम करेंगे, यहाँ की सोसाइटी के लिए काम करेंगे, ताकि यहाँ की सोसाइटी भी ये कहेगी कि नहीं, कोई एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और करप्शन फ्री वाला लीडर जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान टिकरिया साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, जो हमें टाइम टाइम पे ये कहते हैं कि कैसे सबका साथ और सबका विकास और सबका विकास, जो हमारा नारा है उस नारे पे हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, जो हमारा सिस्टम है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमने वो कार्य कर दिया है। हमने बहुत सारा सामान गुरेज में दिया, गुरेज फॉर फ्लंग एरिया आता है, हमने सुमल सोनावारी में भी कार्य किए, हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में भी, बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी अंदर कार्य किए। साथ में रही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात, यहाँ के डॉक्टर ओएस साहब डीसी बहुत ही अच्छे काबिल इंसान है, जिनके माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट कहीं से कहीं विकास की ओर ले गए हैं। साथ में यहाँ के SSP साहब मोहम्मद जाहिद साहब का भी मैं बहुत ही आभारी हूं, जो हमेशा हमेशा हमारे टाइम टू टाइम कन्वे करते रहते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों ने काम करना है, और यही काम हम लोग करते रहेंगे ताकि इस बांडीपुरा को हम लोग विकास के रूप में तब्दील करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।